हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन से नविका। आई होप यू ऑल गुड। सो आज के ब्लॉग में हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन। तो आइए देखते हैं मंचूरियन कैसे बनता है। तो मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए गोभी, पत्ता गोभी। उसको पहले हम अच्छी तरह से काट लेंगे। काटने के बाद इसमें हम एक कटोरी मैदा मिक्स करेंगे। आप मैदा अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हैं, जितनी आपने पत्ता गोभी काटी होगी उसके हिसाब से आप मैदा मिक्स कर सकते हैं। जीरा डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, और नमक डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार, मतलब आप नमक अपने हिसाब से स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे, उसे गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम जो हमने मिक्सचर बनाया हुआ है पत्ता गोभी और मैदे का, उसके हम छोटे छोटे पकोड़े बनाकर उसमें तल लेंगे। और पकोड़े हम उतनी देर तक तलेंगे जब तक वो हल्के से ब्राउनिश ना हो जाएं, मतलब ज़्यादा नहीं तलना है उनको, जैसे हम पकोड़े तलते हैं वैसे नहीं, मतलब हल्के से ब्राउनिश हो जाएं तब तक उनको हम तलेंगे। और जब वो हल्के से ब्राउनिश हो जाएं तब हम उनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे ये पकोड़े जो हैं ये हल्के ब्राउनिश हो चुके हैं, अब हम को प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये मैंने सारे ये प्लेट में निकाल लिए। मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए हमें टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च चाहिए, जिसको हम बारीक काट लेंगे। मैंने अपने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और मिर्च को बारीक काट लिया हुआ है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें मिर्च और शिमला मिर्च, जीरा वगैरह डाल के उसको अच्छी तरह थोड़ी देर पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। फिर इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। उसके बाद अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। फिर इसमें टमाटर भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। Till I get out.
मिक्स करने के बाद इसमें जो हमने प्याज काटा होगा उसको हम थोड़ा सा बचा लेंगे ताकि हम बाद में इसको फिर से डाल सकें। तो इसको हम प्याज डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसमें अब हम जो है वो सॉसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे, थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। सॉस ऐड करने के बाद अब इसमें हम टोमेटो सॉस ऐड कर लेंगे, फिर उन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम मंचूरियन के लिए जो हमने पकोड़े बनाए होंगे गोभी के, उनको इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स करने के बाद हमारा मंचूरियन तैयार हो गया है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं और प्लीज़ अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसा बना। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। बाय बाय।